स्वागत है आप सभी का लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे खास कार्यक्रम गाड़ी बुला रही है मैं और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज हम अपने सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं सूर्य नगरी जोधपुर से, क्योंकि जोधपुर अपने आप में मारवाड़ में राजनीति का एक खास केंद्र रहा है आजादी के बाद से ही। ये ऐसी लोकसभा है जिसने 6 बार अब तक के लोकसभा चुनाव में नए चेहरों को मौका दिया है। यहाँ से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी चुनकर के संसद में पहुंचे हैं। तो हालांकि पिछली दफा जो चुनाव हुए उनमें अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत मैदान में उतरे थे, हार का सामना करना पड़ा। और दूसरी बार पिछली दफा जनता ने गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम पर मुहर लगाई। अब की बार हालात क्या हैं, वोटर क्या चाहता है, क्या सोच रहा है, उसको लेकर के हम जनता का मन टटोलने की कोशिश करेंगे। गाड़ी आ चुकी है, सिग्नल होने में थोड़ा वक्त है, लेकिन हम डिब्बे में बाकी बात करेंगे। तो चलिए हमारे साथ आज के सफर की शुरुआत करते हैं सूर्य नगरी जोधपुर से, सिरोही लोकसभा क्षेत्र का आबू रोड क्षेत्र, वहां तक हमारे साथ आप चलिए। जनता की आवाज क्या है वो सुनवाते हैं। हम जोधपुर शहर में हैं और यहां से आज के सफर की शुरुआत ट्रेन के जरिए कर रहे हैं, जिसमें हम जोधपुर लोकसभा क्षेत्र और साथ ही साथ सिरोही जालोर जो लोकसभा क्षेत्र है वहां के लोग भी हमें जैसे जैसे वोटर्स मिलेंगे, जनता मिलेगी, उनसे बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि अपनायत का शहर है जोधपुर और ये मारवाड़ का वो इलाका है जहां से अपनायत के साथ साथ आपको जो तहजीब मिलेगी वो सबसे खास होगी। क्या नाम है आपका? रवि। रवि जी, तो स्टेशन तो काफी बदले हैं अभी इन 4-5 सालों में, 10 सालों में काफी फर्क आया है, चेंजिंग आया है आपका जोधपुर तो स्टेशन शानदार हो गया है, बढ़िया भाई भी अच्छी है। तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है सरकार ने, क्या आप सरकार देख रही है अपना काम करा रही है? करवा रही है, बढ़िया काम करवा रही है, बढ़िया काम कर रही है। आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट। एक बात बताइए कि राम मंदिर बना उसको लेकर के कहा जा रहा है कि भाई राम मंदिर देश में बना, उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, आपको लगता है? हाँ, बीजेपी को मिलेगा फायदा, मिलेगा। तो आज जिस ट्रेन से हम यात्रा कर रहे हैं सूर्य नगरी जोधपुर से आबू रोड तक की यात्रा हम इस ट्रेन में करेंगे। ये ट्रेन है जो रणकपुर से, रणकपुर एक्सप्रेस है। दरअसल ये ट्रेन चलती है बीकानेर से और दादर तक जाती है, एक लंबी दूरी की ट्रेन है जो यहाँ के मारवाड़ के यात्रियों को महाराष्ट्र तक की सैर करवाती है। हमारे साथ में यहाँ पर मारवाड़ के कुछ लोग हैं, जोधपुर के कुछ लोग हैं, क्योंकि मारवाड़ में जोधपुर जो है वो प्राचीन काल से, रियासत काल से ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र जी, जोधपुर के हैं आप? जोधपुर से। आप ये बताइए कि क्या वाकई विकास हुआ है इन 5-10 सालों में? बहुत अच्छा विकास हुआ है। अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार, पूछने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मोदी सरकार, क्यों है मोदी सरकार? डेवलपमेंट देख रहे हो ना, स्टेशन कितना क्लियर है। अच्छा, अब आज सब चाहे देखो, अभी हमारे जैसे हैदराबाद जाके आए, वहाँ देखो तो स्टेशन ऐसा पड़ा है जैसे समझ ही नहीं सकता। पर आप क्या करते हैं? बिजनेस कर रहे हैं। ये बताइए, आप मोबाइल चला रही हैं, युवा हैं, सरकार से संतुष्ट हैं केंद्र सरकार से? हाँ। मोदी सरकार से एक बार फिर से इलेक्शन, क्या कहना चाहेंगी? वापस से क्या मोदी सरकार बनेगी? हाँ। क्यों बनेगी? कुछ अच्छा काम कर रही है। और अब हालांकि सिग्नल हो गया है, ट्रेन चलने वाली है, हम भी जल्दी से डिब्बे में पहुंचते हैं। तो हम एक डिब्बे में हैं और यहाँ प्रदेश की जनता है, कुछ यात्री हैं जो, आप कहाँ के हैं? बासनी, नागौर से। हाँ, नागौर तो बड़ी चर्चित सीट रहती है। देखो इस बार क्या होगा? हाँ, देखो ये क्या बोलते हैं, राजनीति से ज्यादा जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी आप क्या कहना चाहते हैं, कैसा एक जनप्रतिनिधि चुना जाना चाहिए, विधायक या सांसद कैसा होना चाहिए? जो अच्छा काम करे, अच्छा काम करे, और क्या, बाकी क्या, नेता लोग तो बोलते हैं और मुकर जाते हैं, ऐसा है। आप लोग करते क्या हैं, क्या करते हैं आप? चाचा तो क्या, उस मिल का काम है। मिल का, कहाँ पे? मुंबई में। मुंबई में, और आपका? हमारा भी चाय का काम है। आपका चाय का काम है? जी जी। तो चाय तो असम की प्रसिद्ध है, आप नागौर की चाय पिलाते हैं मुंबई में? तो असम की चाय आती है, बॉम्बे में बना के पिलाते हैं। अरे वाह, तो नागौरी चाय भी प्रसिद्ध है? बिल्कुल, नागौरी चाय फेमस है। नागौर में तो आप बचपन से देखे होंगे, आप बासनी के हो, तो मिर्दा परिवार का बड़ा दबदबा था जो लोकसभा के चुनाव आते थे, मिर्दा परिवार, अभी भी क्या वैसी स्थितियां हैं? तो क्या बोल सकते हैं, मिर्दा परिवार ही बोल तो सकते नहीं, क्या होगा अब आगे जी, अब देखो अभी क्या होता है, आगे देखते रहो।
तो आप बासनी में ही बड़े हुए होंगे? बासनी में ही बड़ा हूँ। तो आप अपने कोई आपका सांसद ऐसा जिसने आपने देखा अपने जीवन में जिसने बेहतरीन काम करवाया हो, कोई याद है ऐसा सांसद? सब करते ही काम, तो सब वो अपना अपना जो काम करता अपना। अभी ये जाके जो मोदी सरकार के अंदर काम हुआ है क्या नागौर में, क्योंकि हनुमान बेनीवाल सांसद थे अभी 5 साल हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे आप, एक बात बताइए विकास को लेकर के अपने सांसद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब देखो विकास तो होता है, होता ही रहता है, चलता ही है काम एकदम। अभी आप इतने लंबी यात्रा करते हैं ट्रेनों की, ट्रेनों में कोई सुधार हुआ है या होना चाहिए? कुछ हुआ और कुछ होना चाहिए। क्या आप क्या आपको क्या लगता है जब यात्रा करते हैं कि कैसी होनी चाहिए हमारी ट्रेनें? एक तो क्या सफाई थोड़ी कम है, सफाई होनी चाहिए। बाकी दूसरी ट्रेन है दादर एक्सप्रेस भी है जी, उसमें भी सफाई अच्छी है, इसमें भी है अच्छी, मगर उसमें नए डब्बे लग गए हैं जी दादर में, उसमें तो अभी हम देख रहे हैं नए रेलवे स्टेशन तो बने हैं, चकाचक दिखते हैं रेलवे स्टेशन। हाँ 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 बिल्कुल, स्टेशन बहुत अच्छे बन गए हैं सब जी। नागौर स्टेशन का भी काम चालू है, अभी काम चालू है, एकदम अच्छा बन रहा, बाहर से पत्थर लग रहा है अच्छा। अच्छा अभी मैं देख के आया हूँ। अच्छा तो वहाँ तक ट्रेनों का पूरा मिल जाता है साधन? मिल जाता है, ट्रेन का साधन वादन सब मिल जाता है एकदम, मिल जाता है। हाँ बॉम्बे आने के लिए और भी वहाँ से नागौर से बहुत सी जगह ट्रेनें जाती है। अच्छा बहुत सी जगह पूरा इंडिया में जाती है नागौर से। अच्छा तो ये तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए जो लंबी दूरी की यात्रा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ जा रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मन्नू महाराज है। मन्नू महाराज जी, तो महाराज जी हमें मिले हैं। मन्नू महाराज जी आप कहाँ से यात्रा कर रहे हैं? मैं बीकानेर से यात्रा कर रहा हूँ। बीकानेर के ही आप? प्रॉपर बीकानेर के हूँ। प्रॉपर बीकानेर के हैं। और कहाँ जा रहे हैं? मैं जाऊँगा पुणे। पुणे जाएंगे। पुणे में क्या कोई आपको कार्यक्रम है? ज्योतिष का कार्यक्रम करता हूँ। अच्छा ज्योतिष का कार्यक्रम आप करते हैं? अच्छा सारे काम आप करवाते हैं। आप बताइए आगे आने वाले 5 साल इस देश के लिए कैसे रहेंगे? अगर मोदी है तो खराब रहेंगे। क्यों? हाँ। अच्छा ये पहले महाराज मिले हैं आप हमें जो ऐसे बोल रहे हैं कि मोदी आए तो खराब रहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं ना। हाँ। आज हर व्यक्ति परेशान है। अच्छा इस सरकार से हर व्यक्ति हर आम आदमी परेशान है। कोई सुखी नहीं है, इतनी महंगाई बढ़ गई है जी कि आदमी कुछ खाना चाहे तो भी नहीं खा सकता। दूध पे टैक्स, दही पे टैक्स, आटे पे टैक्स, क्या 10 रुपए किलो आटा मिलता था 2014 में, आज 44 रुपए किलो आटा मिलता है भैया। अच्छा कहाँ से खाएंगे? तो मनु महाराज आप तो ज्योतिषी हैं, आपको क्या समस्या आती है, इतने सारे लोग आपके पास पूछने के लिए आते हैं। समस्या आती तो हमको पैसा कहाँ से मिलेगा? अच्छा तो आपके पैसे में भी कटौती हो गई? होगी ना, क्यों लोग नहीं मिल पा रहे हैं? तो कहाँ से आएंगे लोग? लोगों को परेशानी होगी तो आपके पास जाएंगे, कहेंगे हमारा भविष्य क्या है। एक मेरी बात सुनो, आप पत्रकार लोग हैं जी, आज के जमाने में पत्रकार भी बिके हुए हैं ना। अच्छा सही न्यूज कहाँ दिखा रहे हैं आप? बोल रहे हो हम तो दिखा रहे हैं। कहाँ दिखा रहे? पास आए, ट्रेन में आए, इससे ज्यादा क्या करें? मेरी बात सुनो, आज जो अभी चल रहा है किसान का आंदोलन चल रहा है जी, दिखा रहे हैं उनको क्या दिखा रहे हो? किसान हड़दंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं किसान? क्योंकि उनकी मांग नहीं मांगी जा रही है। क्या मांगे हैं किसानों की? आप खुद सोचो, पत्रकार तो आप हो, आप आम आदमी किसान बात कर रहे हैं। अभी मेरी बात सुनो जी, पिछली बार जब आंदोलन हुआ था सरकार ने कहा हम आपकी मांगे पूरी करेंगे। कर दी पूरी। जो वहाँ का मेन है जो सांसद है उसके ऊपर है। आप कौन है आपके सांसद? मुझे इतना याद नहीं है, सांसद का पता नहीं, लेकिन मोदी सरकार कह रही है कि हम बहुत काम किया है हमने 10 सालों में, जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ, वो उस पर आप क्या कह रहे हैं? दिखाएंगे। बिल्कुल किया है। क्या क्या काम हुआ आपके? जीएसटी आया जी, पहले तो वो जीएसटी के खिलाफ थे। हाँ। जब वो गुजरात स्टेट में थे। अच्छा इनका मकसद था गुजरात को डेवलप करना, और जीएसटी रेवेन्यू जो था वो सेंट्रल के पास जाता है, इसलिए उसके खिलाफ थे। तो वो जो सेंट्रल में आ गए तो जीएसटी के साथ है, क्योंकि सेंट्रल से फंड आएगा तो सेंट्रल डेवलपमेंट कर सकता। तो डेवलपमेंट हुआ है आप कह रहे हैं? तो ये मनु महाराज कह रहे थे बिल्कुल ही काम नहीं हुआ है। नहीं हुआ ना, बताइए 1% भी नहीं हुआ। ये कह रहे हैं 1% भी काम नहीं हुआ, फिर आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? झूठ का बोले, हुआ है काम, सामने दिख रहा है। क्या भारत माला बन रही है? इनके यहाँ पे बन रही है, बीकानेर यहाँ से निकल रही है, देशनो के यहाँ से निकल रही है भारत माला। हाँ तो ट्रांसपोर्टेशन सुधर रहा है ना। लो जी आप कह रहे हैं मनु महाराज आप ज्योतिषी हो, आप कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि भारत माला प्रोजेक्ट बन रहा है आपके बीकानेर के इधर से ही तो बन रहा है। एक मेरी बात सुनिए आप जी, इनका जवाब दो ना पहले, आपकी बात तो सुन रहा हूँ, बोलिए ना। जवाब दे रहा हूँ कि कई ऐसी चीजें हैं जो वो लोग खिलाफत कर रहे थे, आज वो उनके साथ में क्यों है जी?
जीएसटी के खिलाफ थे, बताया ना मैंने कि वो गुजरात जो स्टेट उनको डेवलप कर रहा था, बस क्या डेवलप किया, क्या डेवलप किया, जो सरदार भाई वल्लभ पटेल का स्टेडियम था उनका नाम नरेंद्र मोदी कर दिया, क्यों क्यों कमर्शियल हब पूरा गुजरात में है, आप जितने बड़े बड़े, तो मैं वही कह रहा हूँ कि हर स्टेट में गुजरात में हब होना चाहिए, जहाँ रोजगार मिले लोगों को मिले, एग्री, हर स्टेट में होना चाहिए। हाँ, नो स्टेट का सीएम निर्भर करता है, अभी ममता बनर्जी, जब पुराने टाइम में देखा जाए तो कलकत्ता मतलब फाइनेंशियल कैपिटल था इंडिया का। हाँ, आज मुंबई क्यों है? हाँ, कलकत्ता में क्योंकि वो ट्रेड, वो जो आप जो बोल रहे हो ना कि लोकल लोकल ट्राइब को सपोर्ट किया गया है, वो लोकल ट्राइब ने उनको फैक्ट्रीज को आने नहीं दिया वहाँ पे नहीं, नहीं की वजह से। हाँ, तो उनको सब लोग, हम भी तो यही चाह रहे हैं कि भाई नहीं, हर तो व्यक्ति विकास हुआ है मनु महाराज, आप राजस्थान में नहीं हुआ है, ये लो ये चूरू के हैं, विकास हुआ है आपके भारत में, केंद्र सरकार की तरफ से हुआ है, सीएम की तरफ से नहीं हुआ, पिछला सीएम कौन था 5 साल तक, अशोक गहलोत, तो फिर किसकी सरकार थी, सर गहलोत ने क्या क्या फैसिलिटी दी थी, आज वापस आपने उसने बंद कर दी, तो वही कह रहे हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट, आज राजस्थान जो एमपी बने हैं बद्रीनाथ जी महाराज, ये सीएम बने हैं, उन्होंने वो स्वास्थ्य बीमा बंद कर दिया, कहाँ बंद कर दिया, नाम चेंज कर दिया, नाम बदलने से तो अभी अभी लागू नहीं है, अभी लागू नहीं है महाराज, सुनो आप भविष्य देखते हैं लोगों का, लेकिन अभी तो झूठ मत बोलिए, अभी लागू नहीं है स्वास्थ्य बीमा, कैसे लागू नहीं है, नहीं है स्वास्थ्य बीमा, मुझे उसका अभी मैं बोल रहा हूँ अभी लागू नहीं है, स्वास्थ्य बीमा अभी 8% में लागू नहीं है, अभी उसके ऊपर विचार चल रहा है, अच्छा, लागू तो किया जाए, कर दिया थोड़ी बोलेंगे, अभी विचार चल रहा है ना, अभी तो जो आदमी मर जाएगा उसके ऊपर कहाँ से आएगा बीमा, जो आदमी पहले से बीमा कराया हुआ है उसका बीमा लागू है, वो नहीं है, बीमा नहीं है, जो अभी पता होल्ड क्या किया गया, होल्ड ये किया गया कि नए जो करने ना एनरोलमेंट वो नहीं हो रहे, जो पुराना जो लागू है, मेरा बीमा है, चलिए छोड़िए मनु महाराज, बीमा को आगे बढ़िए ना, और क्या फैसिलिटी, रोजगार की कोई फैसिलिटी नहीं, राजस्थान भी करने में कोई रोजगार की फैसिलिटी, अभी सरकार को बने हुए 1 साल नहीं हुआ है, इतने में तो पिछली सरकार की जिम्मेदारी होगी, कहा था कि 450 में सिलेंडर देंगे, दे रहे हैं क्या, दे रहे हैं सिलेंडर, नहीं 450 में नहीं दे रहे, दे रहे नहीं, दे रहे नहीं, दे रहे, अच्छा उन्होंने कहा था कि हम स्वास्थ्य बीमा को बढ़ाएंगे 50 लाख करेंगे, कर दिया नहीं किया, अच्छा उन्होंने कहा था कि हम व्यक्ति को, हर व्यक्ति को ऐसा काम देंगे जिसकी आमदनी चल सके, कर दिया नहीं किया, कहता तो सुनो पूरी बात, आप नरेगा देखो जाते नहीं है काम करने, फिर हाजिरी लगती है और फुल फुकट की पगार लेते हैं, कौन जो किसान का बोल रहे हो ना, किसान का, किसान का सरकार एक नियत मतलब इतना देती है कि 25 टन तक वो अपना मतलब 25 क्विंटल तक अपना मूंगफली दे सकते हैं सरकार को, बेच सकते हैं, और सरकार का जो भाव रहता है, जो मार्केट का भाव, जो आम व्यापारी है जो बाहर फैक्ट्री चला रहा है वो उनको 5500 में देता है और सरकार उनको 6350 में खरीदती है, तो सरकार 25 क्विंटल तक देती है, तो सरकार को कौन सा देता है पता है माल, जो खराब माल है, और जो अच्छा माल है वो 5500 में अच्छे व्यापारी को बेच रहे, तो घोटाला तो यही कर रहे हैं ना, इसका मतलब किसान बेकार है, मैं बेकार की बात नहीं कर रहा हूँ, घोटाले की बात कर रहा हूँ, घोटाला आम आदमी में, घोटाला कौन करवा रहा है, आम आदमी में, आम आदमी नहीं करवा रहे, नेता लोग करवा रहे हैं, और क्या, अच्छा आप बताइए और कोई काम नहीं हुआ, आप अभी वो कह रहे थे मेरे सारी योजनाएं चला रहे हैं, मेरे हिसाब से किसानों की जो राशि थी पहले चल जाती 8000 कर दी होगी, फिर ये आंदोलन कर रहे हैं, मूर्ख है क्या, है आंदोलन करवा रहे हैं इनसे, जो फैक्ट्री वाले जो दूसरे लोग हैं ना, हाँ। वो आंदोलन करवा रहे हैं, वो मुंह थोड़ी है, मुर्खा नहीं है, वो करवा रहे हैं, पिछले पिछले आंदोलन में 700 किसान मर गए, वो मूर्ख थे, किसान ने जितना अभी, मैं क्या अभी, अभी सरकार ने ये क्यों काटे का जालियां बिछाई है, क्यों रोड जाम किए, क्यों किया है, कौन सा, हाँ वो किसी आंदोलन कर रहे थे ना, और आंदोलन तो मेरे को देना, आंदोलन में अगर आपको एक भी आदमी मिल जाए ना जो किसान हो, लिख के देता नहीं होगा, जो फुगट के बैठे ना वही जा रहे हैं, जाके देख लो, जो फुगट के बैठे वही जा रहे हैं, अच्छी बात है, गाँव से भी तो कोई गया नहीं है, तो कोई बात, मैं तो किसान हूँ नहीं, हम तो जो न्यूज देखेंगे, मनु महाराज किसान है वो तो खेत में है, भैया देखो इतने लाखों आदमी है वहाँ पर, मेरी बात सुनो, मेरे कोई सरकार से विरोध नहीं है, मेरा ये विरोध है कि किसान वहाँ बैठे हैं, लेकिन मनु महाराज आप किसान सारे नहीं है वहाँ पे, चुनाव से पहले पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की अहम बैठक जारी, कई अहम मुद्दों पर चर्चा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे राहुल गांधी की भारत जोड़ो नया यात्रा, देश में पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का लगाया आरोप, बोले भारत में पाकिस्तान बांग्लादेश और भूटान से ज्यादा बेरोजगारी हुआ। पटना में महागठबंधन की जन विश्वास रैली आज, तेजस्वी यादव के साथ मंच पर दिखेंगे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। पटना में महागठबंधन की जन विश्वास रैली आज, तेजस्वी यादव के साथ मंच पर दिखेंगे राहुल गांधी और तेजस्वी।
पश्चिम बंगाल के संदेश खाली के लिए 6 लोगों की फैक्ट फाइंडिंग टीम रवाना की गई है। कोर्ट के आदेश के बाद संदेश खाली के 3 जगह का दौरा करेगी टीम। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, एक नक्सली ढेर, AK-47 और विस्फोटक सामान बरामद। जम्मू कश्मीर के रिहायशी में जमीन खिसकने से तबाही, मकान ढहने से 3 बच्चों समेत 1 महिला की गई जान, मूसलाधार बारिश के बाद हादसा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रग्स की फ्री भारत पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि ड्रग्स फ्री भारत हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा उपहार। नवी मुंबई में नवा सेवा पोर्ट पर कस्टम को बड़ा ऑपरेशन, चाइना से पाकिस्तान जा रहे कंटेनर को सीज किया गया। न्यूक्लियर और मिसाइल बनाने वाले ड्यूल यूज होने वाले आइटम को सीज किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भीषण बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद हो गए हैं। घर हो या पहाड़, हर जगह बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। कानपुर पुलिस के अपहरण के आरोपियों से मुठभेड़, अपहरण किए गए बच्चों को किया सकुशल बरामद, दोनों किडनैपर्स के पैर में लगी है गोली। तंबाकू कारोबारी के करीब 20 ठिकानों पर लगातार 4th दिन भी I2 की रेड जारी। अब तक 2.5 करोड़ की डायमंड घड़ी और 7 करोड़ के जेवरात बरामद। दमोह में यात्री बस पलटी, 12 से ज्यादा लोग घायल, बस में सवार थे तकरीबन 40 लोग। मुरैना में युवक से मारपीट के बाद फायरिंग, पुरानी रंजिश में एक घर पर भी बरसाई गई गोलियां, शिवपुरी में बंधक बनाकर। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा हीरो मंगलानी। हीरो मंगलानी जी, बहुत बढ़िया नाम है आपका। मंगलानी साहब कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं तो नागौर से आ रहा हूँ भी। हाँ। ये मैं इधर, मैं रहता हूँ उल्लासनगर। उल्लासनगर रहते हैं आप, नागौर के ही हैं? जी नहीं, वहाँ से आया था खास से बुटाटी धाम जाने के लिए। अच्छा, बुटाटी धाम जाकर मेरे एक्सीडेंट में बाया साइड कमजोर हो गया है। अच्छा, कार एक्सीडेंट में। बुटाटी धाम नागौर का वो इलाका है जहाँ पर किसी को पैरालिसिस हो जाता है, तो लोगों की मान्यता है कि वहाँ पे फेरी लगाने से वो ठीक होता है। आपको मेरा पैरालिसिस नहीं हुआ भाई? मेरा पैरालिसिस, क्या नाम है भाई तेरा? मेरा पैरालिसिस नहीं हुआ। अरुण, इधर 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 है, अरुण है। तो अरुण, कितने टाइम से चाय बेच रहे हो? सर पैसे 2 साल हो गए मेरे को। 2 साल से ट्रेन में चाय है? जी सर। कैसे, कितनी कमाई कर लेते हो? सर इसमें कमीशन के साथ से अगर बिकता है तो चाय तो सही है, लेकिन इतना मीठा क्यों डालते हो? सर ये ऑर्डर से बनता है सर, ये जो है सारा ऑर्डर से आता है, हम अपने घर से। कितने की चाय है? 10 रुपीज सर। 10 रुपए की चाय। बेसिकली मैं दुबई से हूँ। अच्छा, आप दुबई से? हाँ, उधर रहता हूँ। अच्छा, दुबई मेरा एक्सीडेंट हुआ था, रोड क्रॉस किया था, कार ने मेरे को उड़ा दिया। अब इससे आप वहाँ पे क्यों गए वहाँ पे? मतलब मैं सुन के गया था वहाँ ठीक हो जाते हैं लोग। हाँ। तो मेरे को फ्रैक्चर वगैरह कुछ नहीं, पैरालिसिस नहीं है, पैरालिसिस भी नहीं है। हाँ। कुछ नसें कमजोर हो गई है बाएं साइड की ज्यादा जी। मैं सोचा चलो दूसरे ठीक हो जाए। फायदा हुआ? इतना नहीं हुआ। एक बात बताइए कि मोदी सरकार ने कोई काम किया पिछले 10 साल में? देखिए, जो मैं पढ़ता हूँ मुझे लगता है काम बहुत किया उसने, हालांकि मैं खुद तो देख नहीं जाता। ट्रेन से सफर करते हैं तो ट्रेन में कुछ बदलाव हुआ है? ट्रेन में बदलाव, हाँ काफी है बदलाव। अच्छा, अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। कुछ और होना चाहिए? और होना चाहिए। क्या? अभी नागौर की बात करता हूँ मैं, क्या? हाँ। तो मैं चल नहीं सकता हूँ वहाँ, न कोई व्हील चेयर की फैसिलिटी है, न कोई कूली है, न कोई ट्रॉली है। अचानक प्लेटफॉर्म चेंज हो गया 1 to 2। अब मेरे को चलने में दिक्कत होगी, क्रॉस करने में बहुत टाइम लग गया, तब तक ट्रेन आ चुकी थी। मंगलानी जी, कहाँ से चल के गए थे आप? मैं प्लेटफॉर्म 1 से 2 में गया। अच्छा, उन्होंने 1 पे आने वाली ट्रेन। अच्छा, बड़ी दूरी की यात्रा करके और नागौर गए थे, वहाँ पर फेरी लगा करके आए हैं आप जी। हाँ, तो ये वहाँ की मान्यता है कि ठीक हो जाता है। आपका क्या नाम है? सो रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, आप कहाँ के हो? मैं डूंगरगढ़ से हूँ। डूंगरगढ़ के हो? ट्रेन में ही? ट्रेन में अटेंडर हूँ। अच्छा, टेंडर हैं आप? हाँ जी। तो कब से, कितने टाइम से हैं? अभी तो मैं 3 महीने से हूँ। कितने रुपए मिलते हैं आपको महीने के? हमारे को 12,000 रुपए बोलते हैं। कोई अटेंडर बता रहे थे कि पहले तो आपको ज्यादा मिलते थे, अब कम हो गए? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। पहले भी 12,000 ही थे? हाँ, अभी भी 12,000, लेकिन महंगाई बढ़ रही है, तो आपको नहीं लगता कि पैसे भी आपके बढ़ने चाहिए? बढ़ने चाहिए ना सर, फिर भी अपने प्राइवेट है, सरकारी भी हो जाए तो अच्छी बात है। सरकारी हो जाए तो अच्छा है। इनकी उम्मीद, क्या नाम था? सीताराम। सीताराम जी कहना है कि अगर सरकारी हो जाए तो अच्छी बात है। और उधर दो भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं, अरे आ रहे हैं हम आपके पास में। क्या नाम है आपका? विक्रम। विक्रम जी कहाँ से? मैं झुंझुनू से हूँ। झुंझुनू से हो? और झुंझुनू के अंदर इस बार बताइए कि लोकसभा के चुनाव में किसका दबदबा देख रहे हैं आप? चुनाव है? चुनाव नहीं, क्या करते हैं आप?
मैं रेलवे में जॉब करता हूँ। अच्छा, आप रेलवे में? गाड़ी में एसी से ही हूँ मैं अभी। अच्छा, इस गाड़ी में ही हो आप? तो ये गाड़ी इतनी खाली क्यों चलती है? खाली अभी गाड़ी भरेगी, अभी कहाँ से भरेगी? रानी फालना स्टेशन आएंगे, वहाँ से गाड़ी पैक हो जाएगी। अच्छा, रानी फालना से ये पैक होगी, लेकिन बीकानेर से ये भर के नहीं आती है? वो तो सर जोधपुर से पैसेंजर कम होते हैं। हाँ, जोधपुर तक थोड़ी गाड़ी पैसेंजर कम होते हैं, अब गाड़ी बढ़ जाएगी, अब आगे भर जाएगी ये। तो ये अब बढ़िया चल रहा है आपका जॉब? हाँ, बढ़िया, अच्छा चल रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया, आप खुश हैं। और ये हम चलते हैं, देखिए ये डिब्बा भी थोड़ा भर जाएगा। भाई साहब खा रहे हैं पराठे इधर और चटनी के साथ में। हैं भैया, कहाँ से लाए? घर से बनवा के लाए पराठे? घर से। ट्रेन में खाने का मजा ही कुछ और आता है। और ये साइड में क्या लेकर के आए हैं आप? क्या? ये वाला कबाब है, कबाब। अच्छा, कबाब लेकर के आए हैं, तो पराठे घर से बनवा के लाए हैं। हाँ। ट्रेन में खाना अच्छा लगता है? अच्छा अच्छा लगता है। कहाँ जा रहे हैं आप? मुंबई। मुंबई जा रहे हैं। क्या करते हैं मुंबई में? जॉब करते हैं। आराम से खाइए और हमें बताइए कि क्या मोदी सरकार कैसा काम कर रही है, कुछ काम होता दिख रहा है आपको? ठीक ठाक दिखता है, इतना कुछ खास नहीं। इतना कुछ खास नहीं है। क्या चाहते हैं, क्या और होना चाहिए युवाओं के लिए? क्या डेवलपमेंट होना चाहिए? डेवलपमेंट करेंगे। जीएसटी में बड़ा घालमेल है, परेशानी का है, अभी तक पूरा समझ नहीं पाए थे। व्यापारी संतुष्ट हैं? बिल्कुल 100%। तो ये व्यापार करते हैं और व्यापारी बड़े संतुष्ट हैं। महिलाओं को लेकर के लगता है कि कोई जो महंगाई बढ़ रही है? महंगाई तो बढ़ ही रही है, हर चीज। हाँ बिल्कुल, हर चीज महंगी है। ये तो कह रहे मैं अच्छा कमाता हूँ, महंगाई आई नहीं। कमाने से क्या होगा, महंगाई तो जो खर्चे होंगे वो तो होंगे। अच्छा, ना तो आपको लगता है कुछ कमी होनी चाहिए? महंगाई कम होनी चाहिए क्या? जिस हिसाब से क्रूड नीचे आया है, उस हिसाब से अब राजस्थान में बीजेपी सरकार भी आ गई। पहले तो चलो अगेंस्ट में सेंट्रल में कौन होता था और यहाँ पे कोई होता था। तो अब कम से कम पेट्रोल डीजल के भाव तो कम कीजिए सर, और बाकी उससे ऑटोमेटिकली सब कम हो जाएगा। जैसे कांग्रेस सरकार 2004 में जैसे थी और 2014 तक मतलब 35 रुपए पेट्रोल था, तो 2014 में 70 कर दिया, डबल कर दिया उन्होंने। अच्छा। और तो उस हिसाब से अगर देखा जाए 2024 में अगर 75 के 140 रुपए हिसाब होना चाहिए, तो 97 रुपए पेट्रोल है, कोई ज्यादा नहीं है। बीजेपी बहुत बड़ी है, बीजेपी सरकार अपनी जगह पे सही है, कांग्रेस के हिसाब से डबल कर दिया उन्होंने। जी सर, क्रूड के जिस हिसाब से जो भाव है ना, जब आपको आपने पेट्रोल को डी कंट्रोल कर दिया, डी कंट्रोल कर दिया है। नहीं, इसकी बात तो गलत नहीं है वैसे। एक कैलकुलेशन इसका बड़ा खतरनाक है, आपसे ज्यादा व्यवसायियों से ज्यादा, ये पूरी टक्कर दे दी है। क्या नाम है? मैं यूपी कन्नौज से हूँ, अरुण पाल नाम है मेरा, अरुण कुमार। हाँ जी सर। क्या नाम है आपका? रूपाली शर्मा। रूपाली जी, आप कहाँ से हैं? अहमदाबाद। अहमदाबाद से, गुजरात से हैं। गुजरात में कुछ विकास दिखता है? बहुत हुआ है। मोदी सरकार ने कैसा काम किया? बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है, रोड अच्छा बनाया है। एक बात बताइए, क्या मोदी सरकार फिर से आएगी? आएगी आएगी। क्यों आएगी? अब आएगी। हाँ। महिलाओं के लिए कोई योजनाएं हैं वहाँ पर? फायदा मिलता है महिलाओं को? नहीं, वहाँ तो कोई नहीं है, सब कोई योजना ही नहीं है, योजनाएं कुछ नहीं है। अभी केंद्र सरकार कह रही है सिलेंडर सस्ता कर देंगे। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं सस्ता तो कुछ नहीं। एक बात बताओ, महिलाओं की कोई बात आपको अगर मोदी सरकार तक पहुँचानी, क्या कहेंगे आप, क्या करना चाहिए? महंगाई कम करो, महंगाई कम करो। गृहणियाँ जो है वो परेशान है, भाई साहब भाभी जी को बता रहे थे कैसे कैसे बोलना है। आप बताइए ना, आप बताइए कि कितना काम हुआ है मोदी सरकार में? मोदी सरकार में साहब बहुत बढ़िया काम हुआ है, नो डाउट। महंगाई है लेकिन महंगाई के सामने भी अच्छी सुविधाएं मिल रही है। पेट्रोल का रेट भी सस्ता गुजरात के अंदर 96.38। आज आप गुजरात में तो सस्ता है लेकिन राजस्थान में सबसे महंगा है, इसलिए लोग कह रहे हैं कि राजस्थान में भी पेट्रोल सस्ता कीजिए। अगले डिब्बे में चलते हैं, आइए। कहाँ के हैं आप? अभी तो पूछा, मैं डूंगरगढ़ से हूँ। आप डूंगरगढ़ के हो, है ना? सीताराम जी, अभी अभी बात हुई थी, अब आप यहाँ पे मिल गए, चलिए बहुत बढ़िया। ट्रेन में ये B3 मेरा कोच है। अच्छा, उसमें मैं टेंडर करता हूँ, उसमें सफाई करना, बाकी काबल तक क्या देना। तो लोग गंदगी तो नहीं फैलाते हैं ट्रेन में? नहीं नहीं, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं फैलाते हैं। बात मान लेते हैं आपकी? मानना पड़ता है, मान लेते हैं। चलिए, डस्टबिन में बोलते तो डाल देते हैं। साफ सफाई रहती है ट्रेन में? हाँ, देख लो अभी आपके सामने जो भी। बॉम्बे रहते हो जी? क्या करते हो वहाँ पे? हमारा एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक का है काम है। फैब्रिक का काम? व्यापारी हैं? मोदी सरकार में व्यापारी खुश है कि नहीं है? नहीं, ठीक ठीक है, मीडियम है व्यापारी। जो मिडिल क्लास के व्यापारी है ना। अच्छा, वो खुश, ज्यादा खुश नहीं है, बाकी बड़े तो खुश है। क्या क्या व्यापारियों की कमी है, क्यों खुश नहीं है मिडिल क्लास व्यापारी? मार्केट कभी उठा ही नहीं एक्चुअली, जैसे जब से ये अपना नोटबंदी हुआ उसके बाद से जो मिडिल क्लास के मार्केट है वो कोई उठा नहीं। अब टेक्सटाइल मार्केट तो पूरा ही ऐसा ही चल रहा है आज। अच्छा। बाकी अदर कुछ इंडस्ट्री चल रही है वो ठीक, अच्छी बात है। लेकिन जो मिडिल क्लास में और जो टेक्सटाइल से संबंध में जितना भी है, जिस जहाँ भी टेक्सटाइल लगता है वहाँ उसका मार्केट आज भी सब दबा हुआ है। तो हम जोधपुर से चल करके यहाँ शाम ढलते ढलते पहुँच चुके।